चल चुके हैं अपने ब्रह्म बाबा की ओर और आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए आप लोग को थोड़ा मैं जल्दी आप कि गेहूं जो है ये पक गया है। अब होली है 3 दिन में दोस्तों, आज 21 तारीख हो गया है और इधर आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा कच्चा में है, जो कि अभी अच्छा से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा दोस्तों 10 दिनों के अंदर। ये सारा जो गेहूं है ये आपको पक्का हुआ दिखाई देने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों, अगर आप रुचि हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि मैं दोस्तों गांव से बिलोंग करता हूं और मैं आप लोगों को गांव से रिलेटिव वीडियो को देता रहूंगा आप लोगों को। तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, और ये जो आपको सामने जो झाड़ दिख रहा है बगान, उसके पीछे में जो है जस्ट उनका मंदिर है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग जामुन खाने आते थे। अभी आप बोलेंगे तो आपको जामुन को पेड़ दिखा सकता हूँ मैं, तो कमेंट करके बताएं आप कि आपको देहाती देसी जामुन आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों। तो आइए, हम लोग अब पहुँच चुके हैं। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं अभी नया नया यूट्यूब पे हूँ, इसलिए आप लोग मेरे थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग दोस्तों चाहेंगे तो मैं गांव से उठकर शहर तक आ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मेहरबानी कम से कम थोड़ा इस पे बनाए रखना होगा। आप देख सकते हैं कि जो है ये रोड जो है ये भरा चुका है, पहले ऐसे ही था लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एकदम चौड़ा हो चुका है। और सामने बाबा का स्थल है जो कि पीपर के छांव में है, और आप देख सकते हैं सामने एक भट्ठा था जो कि बंद हो चुका है, और एक यहाँ भी भट्ठा था जो सामने पेड़ एक छोटा सा गाछ दिख रहा है वो भी बंद हो चुका है। और आइए आप लोगों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे हमारे ब्रह्म बाबा के यहाँ एक कुआं भी है, जो कि अभी इसमें पानी होगा शायद, हाँ पानी है इसमें, लेकिन अब ये जो है कोई यूज नहीं करता है। और दो चापाकल है, एक चापाकल यहाँ देख रहे हैं तो एक वर्किंग में है, ये नॉट वर्किंग है और ये वर्किंग है जो कि आप देख सकते हैं। और ये हैं हमारे बाबा जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, शादी ब्याह में यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने, जो कि रोज तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन शादी ब्याह जब किसी का लगता है तो लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ करने। और आप एक आप लोगों को एक अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इन पेड़ों में लग रहा है कि भगवान निकले हुए हैं, कोई श्री गणेश तो कोई भोलेनाथ की तरह। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो है आपको नज़ारा देखने के लिए मिलने वाला है। और ये नदी है जो सूख चुका है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही गांव के खूबसूरती के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।